नमस्कार दोस्तों, मैं परमवीर चौधरी आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग संख्या पद्धति के बारे में जानने जा रहे हैं। संख्या पद्धति को जानने से पहले हमें कुछ बातें, संख्या पद्धति मतलब किस तरीके से लिखा जाता है, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, यही सब जानेंगे। और क्या, सबसे पहले बात करते हैं अंक की। गिनती में आने वाले संकेत अंक कहलाते हैं। गिनती में आने वाले संकेत अंक कहलाते हैं। भाई अंक कितने होते हैं? अंक 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब उसके बाद संख्या। अंकों के मेल से संख्या बनती है। अंकों के मेल से संख्या बनती है। दो या दो से अधिक अंकों के मेल से क्या बनती है? संख्या बनती है। जैसे अगर बात करें, एक संख्या है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नहीं है तो क्या है? जीरो है। 23 दो अंकों की संख्या है। बात क्लियर है? अंकों के मेल को क्या कहते हैं? संख्या। अंकों के मेल को संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। दोस्तों, अब जानेंगे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। गिनती वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। गिनती वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? गिनती वाली संख्या प्राकृतिक संख्या। दोस्तों, प्राकृतिक संख्या के बारे में जान गए। गिनती वाली संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कभी गिनती खत्म नहीं होगी, कहां तक तो जाएगा? इनफाइनाइट तक। प्राकृतिक संख्या को कई भागों में बांटा गया है। सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या, इवन नंबर। वे प्राकृतिक संख्या जो दो से पूर्णतः क्या हो जाती है? विभाजित। वे प्राकृतिक संख्या जो दो से पूर्णतः क्या हो जाती है? विभाजित। वे प्राकृतिक संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, भाई सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सम संख्या, इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। बात समझ में आ रहा हो? आगे आता है ऑड नंबर, विषम संख्या। विषम संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। बात समझ में आया? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वे क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या, जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाता है तो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, बड़ा बताया नहीं जा सकता। पूर्ण संख्या के बाद नंबर आता है दोस्तों पूर्णांक का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूर्ण संख्या के बाद नंबर आता है मेरे भाई पूर्णांक का। पूर्णांक, इंटीजर। प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर ले, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर ले तो क्या बनता है? पूर्ण संख्या। और शून्य के साथ साथ
ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर ले, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को भी शामिल कर ले, तो ये बनता है पूर्णांक। क्या बनता है? पूर्णांक। इसमें दो प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, एक दो तीन चार पांच, आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, पूर्णांक धन पूर्णांक। और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। नेगेटिव नंबर जो है -1, -2, -3, लेकिन इसको ऐसे लिखे तो और बेहतर होगा, -4, -3, -2, -1। सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक कौन सी है? -1। तो इसके बाद बच्चों आएगा पूर्णांक के बाद अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होता है और किसी अन्य से विभाजित नहीं होता है, अभाज्य संख्याएं कहलाता है। वे प्राकृतिक संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित होगा क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे बहुत सारे। एक याद रखिएगा, न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या है। एक न तो अभाज्य संख्या है न तो भाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? दो। और सम अभाज्य संख्या भी कौन होती है? दो। बाकी सब क्या होते हैं? विषम। अभाज्य के बाद होता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त भी किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। वे प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य प्राकृतिक संख्या से भी विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। लाइक दैट 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 14 भी है, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा होगा। भाज्य संख्याएं समझ में आ गया, अभाज्य संख्याएं समझ में आ गया। एक चीज आपको जानने की जरूरत है, स अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या ऐसी दो संख्या, ऐसी सह अभाज्य संख्या, मेरे भाई ऐसी दो संख्याएं जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, कोई कॉमन गुणनखंड न हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 और 3 की बात करें तो 2 गुणे 1, 3 का 3 गुणे 1, एक ही कॉमन है और कोई नहीं है। सह अभाज्य संख्या क्लियर हो गया होगा क्यों मेरे भाई? परिमेय संख्या आपको जानना है तो इरेज करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बताइए जल्दी, कोई जानता हो तो जल्दी बताइए। रेशनल नंबर जिसे बोलते हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं, वे संख्याएं जिसे P by Q के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं जिसे P by Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q not equal to 0, P और Q
पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। वे संख्याएं जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा भी जा सके और q जीरो न हो, और p और q क्या हो, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कुछ भी हो सकता है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? हाँ, तो दोस्तों आगे देखेंगे हम लोग। एक बात बताइए, पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक लिख सकते हो, पूर्णांक, पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। आगे बात करते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, हाँ बताइए, वे संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती हैं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। लाइक दैट रूट थ्री, क्यों सही है? और भी कुछ भी लिख सकते, टू रूट थ्री, रूट फाइव, टू अपॉन रूट फाइव, बहुत सारी है, ठीक है? तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, क्यों दोस्तों? हाँ, तो दोस्तों अब बात करेंगे वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। क्लियर दोस्तों? अब बात करेंगे हम लोग चक्री संख्याओं की। चक्री संख्याओं की, चक्री संख्या किसे कहते हैं? तो भाई देखो, n अंकों की ऐसी संख्या, n अंकों की ऐसी संख्या जिसमें एक से लेके n तक किसी भी संख्या से गुणा करने पर उनका गुणनफल, उनका गुणनफल में प्राप्त संख्या, उनके गुणनफल में प्राप्त संख्या वही संख्या हो। भाई चक्री संख्या की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हमने बताया n अंकों की ऐसी संख्या, संख्या जिसमें एक से n तक किसी भी संख्या, किसी भी संख्या से गुणा करने पर, से गुणा करने पर गुणनफल में भी वही अंक आए, वही अंक की पुनरावृत्ति हो, वही अंक आए, चक्री संख्या कहलाते हैं। जैसे 14, 28, 57, कितने अंकों की संख्या दोस्त? 6 अंक की। तो 14, 28, 57 में अगर 2 से गुणा कर दे तो 2 7 14, 2 5 10 1 11, 2 8 16 1 17, 2 2 4 और 1 5, 2 4 8, 2 1 9, 2। अब देख रहे होंगे सेम वही रिपीट हुआ है, 2 8
पाँच सात दो आठ पाँच सात एक चार, रिपीट हुआ। अगर इसी में तीन से भी गुणा कर दें तो भी देख सकते हैं, तीन सत्ते इक्कीस, तीन पच्चे पंद्रह, पंद्रह दो सत्रह, तीन अठे चौबीस, एक पच्चीस, तीन दूना छः दो आठ, तीन चौको बारह, तीन कन्ने तीन एक चार, फिर देख रहे होंगे रिपीट हो गया होगा, चार दो आठ पाँच सात और लास्ट में क्या है एक। अगर आप इसी तरीके से चार से गुणा करें, पाँच से गुणा करें, छः, छः अंकों की मैक्सिमम संख्या, चौदह दो आठ पाँच सात में छः से गुणा करके देख लीजिए, छः सत्ते बयालीस, छः पच्चे तीस चार चौंतीस, छः अठे अड़तालीस, तीन इक्यावन, छः दूना बारह, बारह पाँच सत्रह, छः चौको चौबीस, चौबीस एक पच्चीस, छः कन्ने छः, छः दो आठ, देखिए आठ पाँच सात, आठ पाँच सात एक चार दो, क्लियर है। अब किसी अंक से गुणा करेंगे तो रिपीट नहीं होगा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है n अंकों की ऐसी संख्या जिसमें एक से लेके n तक, एक से लेके n तक किसी भी संख्या से गुणा करने पे गुणनफल में प्राप्त संख्या वही अंक होगी। तो आइए देखते हैं, अगर सात से गुणा कर दे, सॉरी सात से गुणा करें, अगर सात सत्ते उनचास, देखिए नौ कहाँ आया, तो बाकी आगे करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको मिश्र सब प्रकार की संख्याएं समझ में आ गई होगी, चक्री संख्या भी समझ में आया। अगला हेडिंग दोस्तों पुड़तालिक संख्या है, अगला हेडिंग देख लीजिए, आप लोग को दिख रहा होगा पुड़तालिक संख्या। पुड़तालिक संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, कोई बताएगा? देखिए सुनिए, कोई संख्या, कोई संख्या n है, इसके सभी भाजकों का योग, लेकिन n को छोड़कर, n को छोड़कर मतलब n नहीं होना चाहिए, n कोई भी संख्या अपने आप से भी कटती है लेकिन उसको छोड़ देंगे, तो कोई संख्या n है इसके सभी भाजकों का योग यदि n के बराबर आता है, n के बराबर आता है तो वह संख्या पूर्णकालिक संख्या कहलाएगी, पूर्णकालिक संख्या कहलाएगी। जैसे छह की बात कर ले तो छह किससे कटता है, एक से कटेगा, दो से भी, तीन से भी और छह से, तो n को छोड़ देंगे बाकी को जोड़े एक दो तीन, तो दो एक तीन तीन छह आ गया, छह क्या है पूर्णकालिक संख्या है, छह क्या है बच्चों पूर्णकालिक संख्या है। ऐसे ही और भी उदाहरण आप बहुत सारे हैं जिनको देख सकते हैं, ये सारे क्या होंगे पूर्णकालिक संख्या। आइए देखते हैं अट्ठाईस है कि नहीं, एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से कटेगा, सात से कटेगा, क्यों सात से कटेगा, उसके बाद चौदह से कटेगा और अट्ठाईस से कटेगा, इसको अगर हम छोड़ दें तो एक प्लस दो प्लस चार प्लस सात प्लस चौदह, आइए देखते हैं, दो एक तीन चार तीन सात, सात सात चौदह, चौदह चौदह अट्ठाईस, तो ये पूर्णकालिक संख्या है। तो अगर पहचानना हो पूर्णकालिक संख्या तो उसके सभी भाजक देख लीजिए कौन कौन है, और उस स्वयं को छोड़कर बाकी सबको जोड़ने पे अगर वो संख्या मिल जा रही है तो क्या कहलाएगी पूर्णकालिक संख्या कहलाएगी। इज दैट क्लियर दोस्तों? मैं बात करना चाहूंगा पूर्णकालिक संख्या के बारे में, नोट है, यदि कोई संख्या पूर्णकालिक है, क्या है पूर्णकालिक है, तो उसके सभी भाजकों और स्वयं के व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग सदैव दो होगा,
सदैव दो होगा, लाइक दैट, जैसे छ के सभी भाजक एक है, दो है, तीन है और साथ में छह भी है, तो सबके व्युत्क्रम, एक का व्युत्क्रम 1/1, दो का व्युत्क्रम 1/2, तीन का व्युत्क्रम 1/3, छह का व्युत्क्रम 1/6, इसका योग सदैव दो होगा। सदैव क्या होगा? तो आइए देखते हैं, एलसीएम लेंगे, छह छह कन्ने छह, दुत्याई छह, तीन दूना छह, छह कन्ने छह, छह तीन नौ, दो ग्यारह एक 12/6। अब कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी, 28 भी देख सकते हैं, 28, एक का व्युत्क्रम 1, दो का व्युत्क्रम 1/2, चार का व्युत्क्रम 1/4, सात का व्युत्क्रम 1/7, 14 का व्युत्क्रम 1/14, 28 का व्युत्क्रम 1/28। तो क्या होगा दोस्तों? एलसीएम 28 हो जाएगा, यहाँ तो 28 ही होगा, यहाँ 14 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। जोड़िए, 2 1 3, 4 3 सात, सात सात 14, 14 14 28, दूना 56/28, कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। तो नोट पॉइंट निकल के आता है कि यदि किसी पूर्णकालिक पूर्णकालिक संख्या के सभी भाजकों के व्युत्क्रमों का योग किया जाए तो योगफल सदैव दो प्राप्त होता है, सदैव दो प्राप्त होता है। समझ में आया दोस्तों? ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल दे दे रहा हूं, आप सॉल्व करेंगे तो आप समझ गए होंगे पूर्णकालिक संख्या क्या होती है। ऐसी कोई संख्या जिसके सभी भाजकों स्वयं को छोड़कर का योग वह संख्या प्राप्त हो जाता है, तो पूर्णकालिक संख्या कहलाती है। पूर्णकालिक संख्या के बारे में आपने समझा कि पूर्णकालिक संख्या के सभी भाजकों के व्युत्क्रमों का योग सदैव क्या होता है? दो होता है। क्या होता है? दो होता है। तो ये समझ में आया? इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे देख लीजिए। हाँ तो दोस्तों, पूर्णकालिक संख्या का योग कैसे बन, मतलब क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इतना बड़ा दे देगा, पूछेगा इसका मान बताइए और आप बैठ जाएंगे हल करने के लिए। नहीं दोस्तों, अब देखिए, 8 1 2 8, ठीक है, कोई दिक्कत? इसका गुणनखंड कर सकते हैं, 8 1 2 8, 2 से कटेगा, 4 6 4, क्या आया कि नहीं आया? आया। फिर 2 से काटिए, 2 3 2, आया कि नहीं आया? फिर 2 आया कि नहीं आया? फिर 2 से काटिए, 2 5 10, 2 8 16, आया ना? फिर 2 से काटिए, 2 2 9 4, 2 5 10, 2 4 8, आया? फिर 2 से काटिए, 2 1 9, 2 2 9 4, 2 7 14, आया ना? फिर 3 से कटेगा ये, नहीं 3 से भी नहीं कटेगा, 127 किससे कटेगा भाई? 2 से तो कटना नहीं है, 127 किससे कटेगा? तो ये 3 से कटेगा नहीं, 4 से तो बिल्कुल नहीं, 5 से नहीं, 6 7 से, 7 से 7 करने 7 57 नहीं कटेगा, 9 से 37 नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं, 15 से भी नहीं, 17 से, देखिए तो
मतलब ये है, अगर देखें आप तो दो भी है, दो दूना चार, दूना आठ, दूना 16, दूना 32, दूना 64, सही तो है। 64 के बाद 127 आ रहा है, सही है ना। तो सब कट जा रहे हैं, तो ये सभी क्या है, इतने के सह, इतने के क्या है, भाजक हैं, नहीं सॉरी, इतने के भाजक हैं। तो आपको मैंने बताया था कि ये तब क्या हो जाएगा, पूर्णकालिक संख्या हो जाएगा, और पूर्णकालिक संख्या है तो पूर्णकालिक संख्या के सभी भाजकों के व्युत्क्रमों का जो योग होता है भाई कितना होता है, दो। आप चाहें तो सॉल्व करके देख सकते हैं, देखना हो तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बोलिए भाई, देखिए, आइए देख लीजिए, संतुष्टि के लिए देख लीजिए, जोड़ने की जरूरत वैसे थी नहीं। चलिए एलसीएम ले लेंगे आप, 8 1 2 8, कितनी बार में जाएगा उतना, 8 1 2 8 कम हो जाएगा, 2 से भाग दीजिए भाई, भाग कैसे, यहीं से देंगे, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 4 से भाग दीजिए, 4 2 8, 4 3 12, 4 2 8, फिर 16 से भाग दीजिए, 16 5 80, 12 हुआ नहीं है, 128, 16 16 और 128, ठीक है भाई, 16 5 80, एक बच्चा नहीं, ये 580 होगा, 508। अब फिर किससे भाग देंगे, 32 से, तो 32 से ये 254 हो जाएगा, फिर किससे भाग देंगे भाई, 64 से, 64 से भाग देंगे आप तो इसका कम हो जाएगा, 127 हो जाएगा, 127। अब इससे भाग देंगे तो क्या होगा, 64, फिर इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, 32, फिर इससे भाग देंगे 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर कितना आ जाएगा, 1, क्यों आएगा, जोड़ लीजिए, 2 1 3 4 3 7 8 7 15 15 6 21, 21 2 23, 23 4 27, 27 7, बोलिए भाई, 34 34 4 38 38 8, 38 8 46, 46 2 48, 48 4 52, 52 8, 52 और 8, कुछ गड़बड़ है भाई, कुछ तो लोचा है। यहाँ देखिए एक चीज छूट रहा था, ये वाला टर्म, 1016 वाला, 1016, देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, अब हुआ ना। चलिए अब तो भूल गया, कट जाएगा 16, 8 2 16, 2 बार में कट जाएगा, देख लीजिएगा, हाँ। तो दोस्तों अब एक चीज और देख लेते हैं, योगात्मक तत्सम किसे कहते हैं, किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ा जाए जिससे संख्या में कोई परिवर्तन न हो, उस संख्या को योगात्मक तत्सम कहते हैं। जैसे ए में 0 जोड़ेंगे तब भी क्या होगा, ए, 10 में 0 जोड़ेंगे तब भी क्या होगा, 10। तो 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 0 को ही योगात्मक तत्सम कहते हैं। गुणात्मक तत्सम, किसी संख्या में ऐसी संख्या से गुणा कर दे कि संख्या के मान में कोई परिवर्तन न हो, जैसे ए में 1 का गुणा कर दे तब भी कितना होगा, ए, 10 में 1 का गुणा कर दे तब भी कितना होगा, 10। तो एक को क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्सम। एक योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ दी जाए, ऐसी संख्या जोड़ दी जाए कि योगफल कितना हो जाए, 0, तो वही उसका क्या कहलाता है, योगात्मक प्रतिलोम। माइनस ए आ रहा है किस, यानी कि जैसे ए का योगात्मक प्रतिलोम माइनस ए, माइनस ए का क्या हो जाएगा, ए,
दस का माइनस दस। एक और है गुणात्मक प्रतिलोम, किसी संख्या में ऐसी संख्या से गुणा कर दें, गुणनफल कितना आ जाए एक, तो उसे दी गई संख्या का क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। तो कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा।